देश है जिसके राज्यों के अलग अलग जलवायु हैं और अलग अलग संस्कृति है और अलग अलग खान पान के ढंग। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उड़ीसा की एक ताजगी भरी और प्रिय डिश के सफर पर, पोखाड़ा भात। ये सरल है और स्वादिष्ट भी। अंग्रेजी में इसे फर्मेंटेड राइस कहते हैं, जिसे अक्सर तपते गर्मियों के महीने में आनंद लेकर खाया जाता है। यह डिश मौसम के अनुकूल भी है। पखाड़ा को बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं उसूना चावड़ा, जिसे अंग्रेजी में पारबॉइल्ड राइस कहते हैं। इसे उबालने के बाद उसे कुछ घंटों के लिए फर्मेंटेशन होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद अगले दिन या कुछ घंटों के बाद उसे खा सकते हैं। पर अगले दिन रखकर खाने से क्या स्वाद आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इससे पहले इसमें ठंडा दही डालकर सरसों के तेल में अदरक, कड़ी पत्ता, सरसों का तड़का लगा दीजिए। बस हो गया तैयार आपका पखाड़ा भात, और उसे अच्छी तरीके से मिला भी दीजिए। अब बारी आती है बैंगन भरता की। इसके लिए सबसे पहले बैंगन टमाटर को गैस पे धीमी आंच में भून लेते हैं। कोई कोई लोग आलू का इस्तेमाल करते हैं, पर मैं यहाँ टमाटर और बैंगन को ले रही हूँ। जब बैंगन और टमाटर अच्छी तरह से भून जाएंगे, तो उसमें बारीक कटा प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, सरसों का तेल और स्वाद अनुसार नमक डालकर हरी धनिया डाल दीजिए। सब हो गया तैयार आपका बैंगन का भरता। चलिए आपको एक नुस्खा भी बता देती हूँ। भुने हुए बैंगन को और टमाटर को ठंडा पानी में डालने से उससे इजीली छिलका निकल आता है, और इसमें आपका हाथ भी नहीं जलेगा। अब बारी आती है बॉडी चूरा बनाने की। सबसे पहले किसी कढ़ाई में तेल ले लीजिए। तेल आपकी मर्जी, आप रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं या तो फिर मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ। तो तेल डालने के बाद अच्छी तरीके से उसे भून ले। अगर आपके पास ग्राइंडर है या हिमदस्ता है तो बहुत सही, बट यहाँ मैं जुगाड़ू तरीका ले रही हूँ। तो एक ग्लास ले लीजिए, उसमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा अगर हो तो जीरा और कच्चा तेल, यानी कि सरसों का तेल थोड़ा सा ले लीजिए। और जो भुने हुए बड़ी होते हैं उसको उस ग्लास में डालकर आपका जो बेलन होता है, बेलन से उसे अच्छी तरीके से कूट ले। ये एक जुगाड़ू तरीका है। ये लो आपका बॉडी चूरा भी तैयार हो गया। अब चलिए जानते हैं आलू भजा, यानी कि आलू भुजिया कैसे बनता है। मैं छोटे टुकड़ों में काटूंगी, क्योंकि बड़े टुकड़े काटने से वो ज़्यादा टाइम लेता है पकने के लिए। अब कढ़ाई में तेल डालकर उसमें जीरा, सरसों और का तड़का लगाकर बारीक कटे हुए प्याज डाल दीजिए। उसके बाद प्याज को थोड़ा सा हल्का भूनने के बाद उसमें नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डालने के बाद उसे धीमी आंच में थोड़ा सा रखने के बाद आप जो कटे हुए बारीक कटे हुए आपके पास आलू होंगे वो डाल दीजिए, और उसे धीमी आंच में पकने के लिए रख दीजिए। बस तैयार हो गया आपका आलू भजा। ये लीजिए, तैयार हो गया आपका पखाड़ा भात, बैंगन भरता, बॉडी चूरा और आलू भजा। जल्द ही घर की रसोई में हाजिर होंगे नए रेसिपी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए।